दिल्ली शराब घोटाले के मामले में राउ जेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान कोर्ट में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने निर्देश दिया है कि रिमांड के दौरान मनीष सिसोदिया को हर वक्त सीसीटीवी कवरेज में रखा जाए। आपको बता दें, रविवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। स्पेशल जज नागपाल ने कहा कि सिसोदिया पहले 2 मौकों पर इस मामले की जांच में शामिल हुए थे, लेकिन यह देखा गया कि वो पूछताछ के दौरान ज्यादातर सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। एक उचित और निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि सभी सवालों के सही जवाब मिले, इसलिए यह केवल हिरासत में रखकर ही किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने उनकी कस्टडी को लेकर कुछ शर्तें भी रखी है, जो इस प्रकार है। शर्त नंबर 1, आरोपी से पूछताछ किसी सीसीटीवी कैमरे वाले स्थान पर की जाएगी, फुटेज को सीबीआई की तरफ से संभाल कर रखा जाएगा। शर्त नंबर 2, जज के आदेश के मुताबिक मनीष सिसोदिया की हर 48 घंटे में एक बार मेडिकल जांच होनी चाहिए। शर्त नंबर 3, जज ने सिसोदिया को सीबीआई हिरासत के दौरान रोजाना शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच आधे घंटे के लिए अपने वकीलों से मिलने की इजाजत भी दी है। एजेंसी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकते हैं। शर्त नंबर 4, सिसोदिया को हर दिन 15 मिनट के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाएगी। शर्त नंबर 5, मनीष सिसोदिया को उनके लिए निर्धारित कुछ दवाएं लेने की भी अनुमति होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप इस मामले में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।